सब्सक्राइब कीजिए टिप बाय अमन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिजाइनिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, अमन और आप सभी का स्वागत है टिप बाय अमन चैनल में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सीएनसी मशीन में टूल लेंथ कंपनसेशन कमांड का यूज करते हैं, या फिर सिंपल वर्ड में कहें कि हम कैसे एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा टूल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर दो टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं पहले वाले जो टूल होगा उसके साथ मेरा ये प्रोग्राम बनाएंगे हम, और जो सेकंड टूल होगा उसके साथ हम ये प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ से टूल ले लेता हूँ जिसकी जो मेरे पास लेंथ रहेगी वो अलग अलग रहेगी। सबसे पहले हम टूल को सेट करने के लिए मशीन ऑपरेशन में जाएंगे, टूल मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ से जो मैं टूल रखता हूँ, तो ये मैंने फ्लैट का टूल उठाया है, जो मेरे पास इसकी लेंथ है वो 120 रहेगी और जो इसका डायमीटर है वो 6 रहेगा। फ्रेंड, इसका मैं टूल नंबर अपने 1 के साथ ले रख लेता हूँ, जहाँ पर मुझे पहला वाला प्रोग्राम क्रिएट करना है। उसके बाद हम सेकंड टूल रहेगा मेरे पास, मैं यहाँ से ले लेता हूँ फ्रेंड्स, इसका जब डायमीटर है इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ इसके डायमीटर 5 रखते हैं, और जो इसकी मैं लेंथ लेता हूँ वो मैंने ली है 100, ये मैंने 100 की लेंथ ली है। ओके करेंगे यहाँ से इस तरह से, और इसको हम सेट करते हैं अपने टूल स्टेशन 2 में। ओके, तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा टूल सेट हो गया है। ये आपको पता लग जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आपका ये ट्रैक है ये आपका रेड कलर का हो जाता है, इसका मतलब आपके दोनों टूल है जो मशीन ने उठा लिए हैं। किंतु यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे, जो मेरा वो सेकंड प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट कम ली है, तो वो वर्कपीस से थोड़ा ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, वो 20 के डिस्टेंस पर है, यानी हमें ऑफसेट देना पड़ेगा दोस्तों, और ऑफसेट के लिए हमें ऑफसेट सेटिंग में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार प्रोग्राम दिखा देता हूं जिसमें हम टूल कंपनसेशन का यूज करेंगे। तो मेरे पास ये प्रोग्राम रहेगा, सबसे पहले जो मेरा प्रोग्राम है वो सिंपली मैंने T01 टूल स्टेशन 1 का यूज किया, और यहाँ से मशीन को कमांड दी टूल को चेंज कराने के लिए। M06 कोड यूज होता है फ्रेंड्स आपका, जब के टूल को चेंज कराएगा। उसके बाद स्पिंडल को स्टार्ट कराएंगे हम, और इसकी स्पीड रखते हैं 2000 RPM। उसके बाद दोस्तों हम सेंटर पॉइंट या कोऑर्डिनेट सेट करेंगे G54 के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें G0 का यूज करते हैं रैपिड पॉइंट ट्रैवल के लिए टूल के, यानी उस पोजीशन पे जहां से मुझे कटिंग स्टार्ट करनी है, जो मेरा कटिंग स्टार्ट पॉइंट रहेगा मैक्सिमम 50Y में 0 रहेगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपके पास G01 और Z1, यानी डेप्थ ऑफ कट के अंदर जाएंगे, और जो हम G01 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको पोजीशन देना है फ्रेंड, जैसे जैसे मैं लीनियरली चल रहा हूँ इसलिए मैं G01 कोड का यूज करूंगा। हम बार बार रिपीट नहीं करते फ्रेंड G01 को, ये सेम ही कोड उठाता रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे। तो उसके बाद मेरा जो पोजीशन होगी वो एक्स में 100, वाई में 50 होगा। उसके बाद एक्स में 50, वाई में 100 की पोजीशन पर जाएगा। उसके बाद जो रहेगा यहाँ से साथ के साथ देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम है मेरा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद फ्रेंड्स ये एक्स में 0 और वाई में 50, यानी ये पोजीशन रहेगी मेरी यहाँ पर। उसके बाद अगेन आप आ जाओगे एक्स में 50 और वाई 0 पर। उसके बाद यहाँ पर हम M05 कोड का यूज करते हैं टूल को स्पिंडल को स्टॉप कराने के लिए, स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम कमांड देंगे कि उसको नया टूल लेके आना है, यानी 202 स्टेशन के अंदर जाएगा और टूल को चेंज कराएगा। उसके बाद वही स्पिंडल को स्टार्ट कराना है, रोटेट कराना है। उसके बाद हम लगाएंगे दोस्तों, ये देखो, ये होता है आपके पास टूल लेंथ कंपनसेशन का जो कोड होता है। उसके लिए हम दोस्तों दो कोड, हमारे पास दो कोड रहते हैं, एक होता है G43 और एक होता है G44। मैंने जो यहाँ यूज किया है वो G44 है। इसके साथ हम देते हैं वैल्यू जेड और एच की। अब इसमें जेड और एच क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पास G43 होता है वो होता है जब आपको टूल लेंथ कंपनसेशन देना हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसी तरह G44 होता है जब आपको कंपनसेशन देना हो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन दिया, वो क्यों दिया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर टूल की हाइट रखी है पहले की, वो मेरे पास 120 है यहाँ से इस तरह से, और जो मैंने सेकंड जो मेरा टूल रखा है वो 120 से कम लेंथ पर है, यानी वो 100 की पोजीशन पर है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ पर। यानी अब आपको इसको यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है, और जहाँ हम एक्सिस की बात करें, जेड एक्सिस की बात करें, तो वहां से वो क्या करेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में इसको लेके आना है। अभी ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पर इस पॉइंट पर लेके आना है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव कंपनसेशन का यूज किया है। अगर ये मेरा पास जो फर्स्ट टूल रहता वो 100 का रहता और सेकेंड मेरे पास 120 का रहता, तब हम पॉजिटिव उसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव टूल लेंथ कंपनसेशन का।
तो अभी जो मैंने यूज किया है यहाँ पर G44 और Z0 होता है दोस्तों, वो आपका डेटम पॉइंट होता है जहां से आपका टूल लेंथ को मेजर करना है कि उसको कितना डिस्टेंस जाना है। जैसे मेरे पास ये 120 था, इसको 20 डिस्टेंस कवर करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो ये Z0 रहेगा, ये वैल्यू मेजर करेगा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो 20 जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला फ्रेंड्स यहाँ से। और हाइट रहेगी दोस्तों H1 रहता है, टू ऑफसेट के अंदर जाओगे, ऑफसेट सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर ये आपके पास ऑफसेट का ऑप्शन रहता है, ये पहले से ही है आपके पास, इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये आपके पास ऑफसेट रहेगा यहाँ पर आपके पास कि आप किस पोजीशन में वैल्यू डाल रहे हो और कितना आपको जाना है। तो सबसे पहले H1, अगर आप एनए वन के अंदर वैल्यू दिया तो यहाँ पर H1, जैसे मैंने वहां पर H1 लिखा, तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे H1 के अंदर और कितना आना है मुझे नीचे, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना आना है मुझे, 20 आना है। तो यहाँ से आप टाइप करोगे 20 और इसको इनपुट कराओगे, यानी ये आपने ऑफसेट दे दिया यहाँ पर। उसके बाद आपको अगेन प्रोग्राम में आओगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमने ये वैल्यू सेट कर दी है। उसके बाद सेम आपने टूल को उसकी पोजीशन पर लेके आओगे जहाँ से कटिंग स्टार्ट करना है। जैसे मैंने ये कटिंग स्टार्ट करूंगा वो 0.0 से होगा, यानी इस पॉइंट से फ्रेंड्स, ये पॉइंट रहेगा आपके पास यहाँ पर, ये पॉइंट एक्स में 0 वाई में 0। उसके बाद Z-1 आपको नीचे की तरफ कट में लेके आना है। उसके बाद X100 रहेगा इस पॉइंट पर, उसके बाद आपका Y100 रहेगा यहाँ पर, x की वैल्यू सेम रहेगी इसलिए वो पिछले वाले को ही उठाता रहेगा। उसके बाद x में 0 जाना है, Y0 और G0। उसके बाद हमें टूल को, जब मेरे पास एक बार प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टूल को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, उसको 12 पोजीशन पर रखें, उसके बाद रखते हैं दोस्तों M30 का यूज करेंगे। तो ये मेरे पास प्रोग्राम था फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, हमने ऑफसेट दे दिया है। अब ऑफसेट करने के बाद जैसे ही आप ऑटो करते हो, तो ये देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने ऑटो किया तो आपका जो वर्कपीस था, जो आपका जो आप ड्राइंग्स तैयार करना चाहते थे वो थोड़ा ऊपर की तरफ था, अब वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया है क्योंकि वहां पर हमने जो ऑफसेट के अंदर ये ऑफसेट दे दिया है, जितना मेरे पास जो लेंथ कम थी टूल की वो हमने प्रोवाइड करवा दिया है। इसलिए अब जो आपका जो टूल रहेगा, टूल का पाथ रहेगा, वो ठीक तरह से अपने पॉइंट पर आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें कटिंग स्टार्ट करना है, कटिंग स्टार्ट करने के लिए हम दोबारा से प्रोग्राम में चलते हैं ऑटो, और उसके बाद आपको करना है रेफरेंस पोजीशन पर लेके जाओगे जेड को, एक्स और वाई पोजीशन पर अगेन, और यहाँ से मेरे पास जो सब कमांड की है मैं इसका यूज कर लेता हूँ ताकि जो मेरे पास जो मेरा प्रोग्राम रहे वो हम स्टेप बाय स्टेप देख सके। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, जैसे आप स्टार्ट करोगे देखो फ्रेंड्स इसने टूल को चेंज कराया, उसके बाद ये टूल को रोटेट कराएगा G54 की पोजिशन पर, यहाँ पर ये उसकी पोजिशन पर आ गया है फ्रेंड्स जहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था। उसके बाद इसने टूल कटिंग को स्टार्ट किया इस तरह से, जो जो अपने फ्रेंड्स डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स दिए थे ये उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने M5 दिया है, यानी ये स्पिंडल मेरा यहाँ पर स्टॉप हो जाता है क्योंकि हमें टूल को चेंज कराना है। उसके बाद आप कमांड दोगे T02 और M06, यानी इसने टूल को चेंज कराया इस तरह से। उसके बाद अगेन आपको स्पिंडल को स्टार्ट करना है और ऑफसेट पॉइंट देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। अब देखो आपने ऑफसेट दिया है तो ये स्टार्टिंग उसी पोजिशन पर आया है जहाँ से इसको वर्क करना था। उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी हमारे प्रोग्राम की, और ये इसने अंदर डेप्थ ऑफ अंदर गया और ये कटिंग स्टार्ट की इस तरह से, और ये नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये इस तरह से। अब ये जेट वाला ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम का एंड। तो देखा फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से एक ही प्रोग्राम में दो टूल्स का यूज किया है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल ऑफ टूल्स का यूज कर सकते हैं, वहां पर हमें ऑफसेट देना पड़ेगा और उसके लिए टूल लेंथ कंपनसेशन, सॉरी टूल लेंथ, टूल की जो लेंथ होती है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में रखनी है या नेगेटिव डायरेक्शन में रखनी है, वो डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपको उसके साइज कितना रख रहे हो। जो आपका पहला टूल रहेगा उसकी साइज कितना रहेगा, जो सेकेंड टूल है उसका साइज कितना रहेगा, और उसके लिए हम दोस्तों दो ही कोड का यूज करेंगे, या तो फिर आपके पास G40, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो वो आपके पास G44 रहेगा या फिर G43 रहेगा। और जो G49 होता है फ्रेंड्स, वो टूल लेंथ कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए होता है, और ये इसके सिंटैक्स रहेंगे, इसमें हमें जेड की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी और साथ में H1 की वैल्यू भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।